आज समथिंग आई मीन लोग बोलते हैं ना कि पिक्चर देखने क्यों आएंगे, मैं पूछता हूँ इस पिक्चर को देखने लोग क्यों नहीं आएंगे। आप लोग समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। और उसके अलावा कंटेंट बहुत अच्छा, स्टोरी बहुत अच्छी है, एक अम्बिशियस बच्ची लड़की की कहानी है, उसकी जर्नी है। एंड आई फील कि ये फिल्म काफ़ी अर्से के बाद, ज़माने के बाद एक ऐसी अलग सी फिल्म हमारी इंडस्ट्री में आई थी, मतलब बॉम्बे थिएटर्स में लगी। और मुझे याद है एक फिल्म ऐसी लॉन्ग टाइम बैक आई थी, उसका नाम था चेत था, यार इशारा की फिल्म थी। और उस फिल्म ने भी हंगामा कर दिया था। और ये फिल्म मुझे लग रहा है कि अगर इसको पब्लिसिटी अच्छी मिली, प्रमोशन अच्छे मिले, आप लोगों का सहयोग अच्छा मिले, तो दिस फिल्म कैन रियली स्मॉल मेकर्स के लिए, आर्टिस्टिक मेकर्स के लिए, नई थॉट को लेकर चलने वाले काफ़ी प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्में बनाएंगे। इट ओपन अ न्यू गेट इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। बजट में भी फिल्में अच्छी बहुत बन सकती हैं। जैसे पहले बोल रहा था एग्जाम्पल, तो मेरी खुद की बेटी की पिक्चर है फ्री, जो 125 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। राजकुमार, श्रद्धा कपूर, बिकॉज द फिल्म वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल कंटेंट इन द फिल्म, पीपल लाफ्ड इन द फिल्म, दे गॉट स्केयर्ड इन द फिल्म, उस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मुझे वही लग रहा है कि इसमें मतलब मैं एज एन एक्टर जितना कर सकता था किया, लेकिन उससे ऊपर एडिटर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक और लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया है। शी डन वंडरफुल जॉब। आई फील कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी एंड इट शुड क्रिएट अ न्यू गेट फॉर लॉट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स एंड।